जब हम लोग अलमंजा बीच पे अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए पहुंचे, वहां पहुंचते ही देखा कि यार एक रिंग बना हुआ है। तो सबसे पहले दिमाग में एक थॉट आया कि यार इस बार फिर कुछ लड़ाई झगड़ा होने वाला है। Splits villains, welcome to Al Mamzar Beach in Dubai. Thank you. सबसे पहले आप alliances बनाओगे। दो कबीले एक साथ जुड़ेंगे, so we'll have two kabilas going up against the other two kabilas. मैंने दुष्यंत से कहा, लड़कियां 8 लड़कियां हैं, अगर तेरा और मेरा कबीला अगर अलायंस फॉर्म करता है तो 4 हमारी तरफ होंगी और 4 लड़कियां उस तरफ होगी, तो बैलेंस आउट हो जाएगी। Splits villains, आपका डिसीजन क्या है? मैं और दुष्यंत हमने साथ में अलायंस बनाया हुआ है। मनीष और आशीष एक तरफ और दुष्यंत और साय का कबीला एक तरफ। कॉम्पिटिशन का नाम है किस और स्लैप। मैं बोला यार ये क्या चीज़ है, किस और स्लैप। मैं बोला 2 मिनट के लिए स्लैप हटा दो, थोड़ा किस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ये क्या चीज़ है। एक टीम के लड़के उस पोल पे बांधे होंगे, दूसरे अलायंस के लड़के इस पोल पे बांधे होंगे। कॉम्पिटिशन में 2 लड़कियां अटैक करेंगी और 2 लड़कियां डिफेंड करेंगी। डिफेंडर्स हार्नेस के साथ इन रस्सियों पे बंधे होंगे और उनके लड़के उनके पीछे पोल्स पे बंधे होंगे। जो टीम अटैक कर रही है वो भी एक दूसरे के साथ बंधे होंगे। जीतने के लिए अटैकर्स को पॉइंट्स बनाने हैं। एक पॉइंट हासिल करने के लिए दोनों अटैकर्स को किसी एक लड़के को या तो किस करना है या स्लैप करना है। 2 मिनट के अंदर आपको यह ट्राई कंप्लीट करना है और एक पॉइंट हासिल करना है। तो जीत होगी यहां पर एक कबीले की नहीं, एक अलायंस की। दुष्यंत और साई, आपकी अलायंस पहले अटैक करेगी। मनीष और आशीष, आपकी अलायंस पहले डिफेंड करेगी। आई वॉज ऑब्वियसली श्योर कि द गर्ल्स वुड वांट टू स्लैप मी बिकॉज बहुत पंगे कर रहे हैं, पता नहीं किस किस के साथ। तो आई वॉज रेडी, आई वॉज ट्राइंग टू रिलैक्स माई जॉ मसल्स कि भाई पढ़े तो बहुत तेज दर्द ना हो। मैंने और साई ने अपने अलायंस से पूजा और यशिता को अटैक के लिए रखा और संजना और टीना को डिफेंड के लिए रखा, क्योंकि मेरे को एक चीज़ थी कि संजना भाग नहीं पाएगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, बट अगर वो किसी को होल्ड कर लेगी, डिफेंड कर लेगी, तो उसका वेट का भी बेनिफिट हो सकता है। मनीष ने जो अटैकर्स चूज़ किए थे वो आकृति और प्रिया थी, और हम डिफेंड करना था वो मुझे और सोफी को करना था। Splits villains, are you ready? Yes. सबसे पहले अटैक करेंगे पूजा और यशिता। कोई बात नहीं, पहले से जानते पता नहीं, बीच में से चलते हैं। हाँ सर, सामने से मुझे थोड़ा सोफी का तो था कि ठीक है दुबली पतली सी है, फूक मार के उड़ जाएगी, पर हाँ अर्चना का मुझे पता था कि थोड़ा उसकी ग्रिप अच्छी है, इस वजह से ही उसको जो है एज अ डिफेंडर वहां पे रखा गया है। योर टाइम स्टार्ट्स। साथ में हाथ पकड़ो, डॉज डॉज डॉज, कंफ्यूज करेंगे, देख अलग अलग रहो। गो 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 गो, आंखों में मिट्टी डाल रही है, ये शी इज हिटिंग मी। पकड़, हाँ कोई बात नहीं, मारती है, पकड़ मैं ऐसे भी मार खाएगी, हम डालेंगे। गलत हरकतें कर रही थी, कॉम्पिटिशन इज अ कॉम्पिटिशन। वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही है, गालियां मार रही है, शू मार रही है, मिट्टी डाल रही है, बहुत ही गलत कर रही थी। 1 मिनट गॉन। सोफी पकड़ ले इसको। अरे सोफी को पकड़, जैसे को पकड़। यस लेट्स मैन, सोफी को पकड़, तू देखो ना खून लगाएगी, चलेगा मेरे को देख के लग रहा था कि यार पूजा अपने को तो छुड़ा ही रही है, साथ साथ यशिता की भी हेल्प कर रही है, और यशिता का यार देख के लगता है हट्टी कट्टी है, कर सकती है, मगर पता नहीं क्यों उसके हाथ पैर चलते ही नहीं। कमो पूजा, कमो कमो यार, कमो चलो पकड़ो, चलो कमो पूजा, चल छुड़ा ले पैर, छुड़ा ले यशिता की पैर, छुड़ा। 10 सेकंड्स लेफ्ट, 10 सेकंड्स, यू कैन डू इट, आगे जा पूजा, छुड़ा पूजा, कमो यू कैन डू इट, अर्चना कमो, यू कैन डू इट, छोड़ियो, छोड़ियो।
यशिता ने गलत किया, शी वाज लाइक उसने मेरी आंखों में सबसे पहले मिट्टी डाली और अपने शू से मुझे हिट करने की कोशिश की है। ये जो चीप हरकतें हैं वो अपना स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं, लेवल बता रहे हैं। साहिन दुष्यंत, आपके अलायंस को अभी तक कोई पॉइंट्स नहीं मिले। आकृति और प्रिया, आर यू रेडी? आकृति और प्रिया को मैंने एक ही चीज कही थी कि यार और कुछ नहीं सोचना है तुम्हें, सिर्फ एक साथ एक्ट लाइक वन पर्सन, बी ग्लू टुगेदर, अपना बॉडी का मोमेंटम साथ में यूज करो। योर टाइम स्टार्ट्स, गो, दैट्स इट, गो 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 गो। जाके घुस गए उनके अंदर और एक अलग घुस रहा है, अलग घुस रहा है, रोप इज टाइड बिटवीन देम, वो कहां जाने वाले थे, दे ऑब्वियसली वर स्टॉप। द वे संजना ने उसको पकड़ा प्रिया को, इतनी चुया सी, इतनी छोटी सी है कि वो उसके हाथ में ऐसे जकड़ गई कि जैसे बस चुया एक हाथी के हाथ में आ गया कि हाँ भाई अब तो नहीं छोड़ना। संजना ने तो खैर अपना एंटी लॉक क्रो स्टाइल जो भी था उसने पूरी जान लगा दी, मुझे लग रहा था सही मायने में WWE हो रही है। 1 मिनट छुड़वा उसको, प्रिया को छुड़वा, प्रिया को भी, प्रिया कम ऑन। संजना एंड टीना, दे बोथ डिड अ फैंटास्टिक जॉब। उन्होंने जिस टाइप से लड़कियों को पकड़ के रखा था, बहुत ही मुश्किल था लड़कियों का उनके ग्रिप से छूटना। आकृति के पैर बहुत चल रहे थे, वो पैर से बार बार धक्का मार रही थी, धक्का मार के आगे आती जा रही थी, हमारे बहुत क्लोज आ गए थे वो लोग। 30 सेकंड्स टू गो। सिर्फ 10 फुट बचे हैं। आगे प्रिया को चूज करना थोड़ा गलत साबित हुआ क्योंकि वो यूजलेस है, शी इज गुड फॉर नथिंग। मेरे को बहुत मजा आया एंड मेरे लिए थोड़ा सा इजी था क्योंकि मैंने ब्लॉकिंग कर ली थी अच्छी।